मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, पूरे इंडिया में जिस तरह से केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर रखे हैं, उसी के चलते आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग परभणी की जानिब से जिस तरह से गैस के दाम बढ़ाने को लेकर आज धरने आंदोलन किया, और धरने आंदोलन करने के बाद में उज्ज्वला गैस योजना को जिस तरह से प्रभावी तरीके से अमल बजावनी में लाना चाहिए वो नहीं लाने की वजह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की जानिब से धरने आंदोलन किया गया। और गैस के पूजा करने के बाद में, गैस सिलेंडर की पूजा करने के बाद में ही जिस तरह से मोदी सरकार के विरोध में इन लोगों ने धरने आंदोलन करते हुए जिस तरह की नारेबाजी की है, नारेबाजी करने के बाद उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार, इनके पुतने उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले कंपनियाँ और कंपनी ही नहीं बल्कि पार्थ पवार के जितने भी मुंबई के कार्यालय है, इन कार्यालयों में जिस तरह से छापेमारी की गई, इनकी बहनों के घरों पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, इसके विरोध में परभणी की राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जानिब से धरने आंदोलन किया गया है। और ये किस तरह से प्लानिंग करके ये काम किया गया है, इसके विरोध में ही धरने आंदोलन किया गया और घोषणाबाजी भी की गई। इस वक्त राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, इन्हीं के साथ में कार्याध्यक्ष संगीता कड़ेकर, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा लजड़े, तालुका अध्यक्ष कल्पना दड़वी, रेखा आउटे, महमुना बी शेख, मुमताज शेख, जनाबाई वैरागढ़, रंजना हतागड़े, कांचन दड़वी, प्रभा हटकर, रत्नमाला कदम, आशाबाई कांबड़े, रेणुका राठौड़, संगीता भास्कर, इनके साथ बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला और कार्यकर्ता मौजूद थी। इधर से आओ, कसे करू आम्ही दिवाळी, मोदी सरकारची करूया होळी, मग साजरी करूया आम्ही दिवाळी, हा सरकारचा आम्ही राष्ट्रवादी महिला पदाधिकारी करून जाहीर निषेध करतो। अजित दादा यांच्या नातेवाईक म्हणजे यांची बहीण यांच्या घरी काल धाड पडलेली आहे आणि काही लोकांनी प्लॅन करून आणि त्यांच्या घरी धाड पाडलेली आहेत, असं यांना अटक करावं त्यांचे त्यांनी आणि त्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। अनवत में जिस तरह से कोविड-19 के चलते कोरोनाग्रस्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसी के चलते स्कूल, कॉलेज और यहाँ के मार्केट को पूरी तरह से 16 अक्टूबर 2021 तक बंद कर दिया गया है। और उसी के चलते आज मानवत के गालिब नगर परिसर में स्थित एकरा उर्दू स्कूल, यहाँ पर वैद्य के अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, इनके मार्गदर्शन में समाज सेवक अकबर अंसारी, इनके हाथों से लसीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इस वक्त समाज सेवक और उसी के साथ में एकरा स्कूल के संचालक शेख रिजवान, इनकी मौजूदगी थी। पिछले 35 साल से लगातार एकता सेवाभावी संस्था के माध्यम से अजमत खान ये समाज सेवा करते आ रहे हैं। उसी के चलते एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित बेटा परदेश में ये शॉर्ट फिल्म का मुहूर्त 16 अक्टूबर 2021 को परभणी शहर के परभणी से करीब ही धर्मापुरी यहाँ पर रामबाग में मुहूर्त निकाला गया है, और रामबाग से ही इस फिल्म की शुरुआत की जाएगी। इस फिल्म के निर्माता शोभा बिहाड़े, जो खामगांव के रहने वाले हैं, उसी के साथ में इस फिल्म के राइटर पवन कुमार, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सौरभ नाखले, जो पुणे के हैं, और इसका काम DOP का काम अरबाज खान, इन्होंने किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर एकता सेवाभावी संस्था के एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के अजमत खान, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अजमत खान साहब ने इससे पहले भी एक थेम प्रेमाचा और उसके बाद में अब कुछ दिन पहले ही उनकी एक पिक्चर रिलीज़ हुई है, मेरा टीचर मेरा अभिमान। जिस तरह से ये फिल्म बना रहे हैं, जिस तरह से अजमत खान साहब मेहनत कर रहे हैं फिल्म बनाने में, जिस तरह से ये डायरेक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से एक नए नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं, परभणी ज़िले के वो कलाकार खुश नसीब है जिन्हें इन फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है और इन्हें अवसर भी मिल रहा है। खुशकिस्मत है वो लोग जो लोग
अजमत खान साहब इनके साथ में जुड़कर पिक्चरों में काम करते नजर आ रहे हैं। कौन सा? हाँ सब लेता है बेटा, प्रदेश का एक ऐसा सीन फार्म हाउस का जहाँ खेती बाड़ी है, उन्होंने अपने फैमिली के साथ बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, तो कुछ मस्ती वाला सीन, फैमिली वाला सीन हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको, पूरा ये लोकेशन देखने मिलेगा। चलिए भी आपकी तरफ से शुभकामना रहने दीजिए, जिस तरह से मेरा टीचर मेरा अभिमान और एक थे प्रेम को आपने जितना प्रेम दिया उससे ज़्यादा प्रेम हमको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये फिल्म एक भावनिक होने के साथ साथ साथियों आप लोग खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से मेहनत चालू है, दशहरे के शुभ अवसर पर इसका मुहूर्त होने जा रहा है और शायद हम नवंबर में पूरी फिल्म हम जनता को यूट्यूब के माध्यम पर पर्पल नाइन चैनल के माध्यम पे जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की जानिब से आज उस महिला के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू की गई है जिस महिला के पति फौज में थे, इंडियन आर्मी में थे, और इंडियन आर्मी में होने के बाद वो जब उनके पति का जब रिटायरमेंट होने के बाद में वो जब अपने घर पर आ गए, घर पर आने के बाद में जिस तरह से उनकी डेथ होने के बाद में उनके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने इस महिला को जिस तरह से हकाल दिया, इस महिला का जिस तरह से पैसा और इनके दाग दागिने, इनका पूरा बैंक बैलेंस, पूरी तरह से इनके डॉक्यूमेंट्स छीन कर ले लिए और इन्हें नहीं दे रहे हैं, इसी के चलते ये महिला जिस तरह से अपने अधिकार को लेकर, अपने बच्चों के अधिकार को लेकर, जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठी हैं, पिछले 3 दिन से ये महिला उपोषण पर बैठी हैं और उपोषण पर बैठने के बाद में जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग को इस बात का पता चला, इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला विंग की जानिब से जिस तरह से इनकी सहायता की गई है, इन्हें सीधा उठाकर यहां से परभणी के एडिशनल SP अविनाश कुमार जी इनके पास में ले जाया गया और ले जाने के बाद में इनकी बात को रखा गया। जिस तरह से इन्होंने काम किया है तारीफ के काबिल काम है, जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला शहर अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, इन्हीं के साथ में कार्याध्यक्ष संगीता कड़ेकर, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा लजड़े, तालुका अध्यक्ष कल्पना दड़वी, रेखा आउटे, मैमूना बी शेख, मुमताज शेख, जनाबाई वैरागढ़, रंजना हतागड़े, कांचन दड़वी, प्रभा हटकर, रत्नमाला कदम, आशाबाई कांबड़े, रेणुका राठौड़, संगीता भास्कर, इनके साथ में इनके कार्यकर्ताओं ने भी, जितनी भी महिला कार्यकर्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, इन सब ने मिलकर इन्हें परभणी के SP ऑफिस ले जाकर ये इस महिला के कंधे को कंधा लगाकर इस महिला को न्याय दिलाने का काम किया है और न्याय दिलाने के काम को लेकर ही इस महिला ने भी इनका आभार व्यक्त किया है। और जिस तरह से एडिशनल SP अविनाश कुमार, इन्होंने जिस तरह से इस बात को गंभीरता से लिया है, पहले तो पूरी बात को समझकर, इन महिलाओं की बात को समझने के बाद में इस परिवार को न्याय दिलाने का काम और आश्वासन भी एडिशनल SP अविनाश कुमार जी इन्होंने किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी और क्या मांग इन लोगों ने की है इस महिला भगिनी के हक की लड़ाई जिस तरह से इन महिलाओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिलाओं ने लड़ना शुरू किया है। एक समाज में एक अच्छा उदाहरण है जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से एक काम किया है, तारीफ के काबिल काम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिलाओं ने जिस तरह से एक काम किया है, हर महिला ने जागरूक होना चाहिए और एक महिला ने दूसरी महिला के अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए, ऐसा भी इस काम को लेकर इन महिलाओं ने बताया है। पहली पत्नी लीगली डाइवोर्स हुआ था, और आपका फिर आपके जो
माझ्या सरकारी एलआयशा, माझे सरकारी अकाउंट, माझ्या पतीची रक्कम, माझी प्रॉपर्टी, माझ्या गाड्या, माझं घर, माझी जमीन, माझे सर्व माझ्या नंदयाने, नंदच्या मुलाने कब्जा केला आहे. मला वापस देण्यात यावी आणि जे आहे ते माझ्या मुलाला आणि मला देण्यात यावं. माझं दुसरं काही मागणं नाही. माझा त्रास बंद करण्यात यावा. माझा भाचा रूमवर येऊन मला त्रास द्यायला आहे, मारहाण करतोय, बलात्काराची धमकी द्यायला आहे. माझ्या मुलीला आणि माझा भरोसा नाही. माझा सरकाराने न्याय करावा. माझ्या सरकारतर्फे सर्व काम माझं करण्यात यावे, सरकारी काम. माझ्या पतीचं जे आहे ते मला देण्यात यावं. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माधव महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर, मैं हूँ सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. नेबू पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें. मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890023218. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए.
किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कॉन्टैक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकेंड नंबर 9420621924।